जी हाँ, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, इन तमाम चैनलों को हम बाहर होते हुए देख सकते हैं अगर ट्राई की हिदायतों को ब्रॉडकास्टर ने नहीं माना। ट्राई का यहाँ पर बहुत बड़ा फैसला लिया गया है और इस फैसले के मुताबिक ट्राई का ये कहना है कि जितने भी तमाम चैनलों को हमने आपके सामने मेंशन किया है जो आपकी डीडी फ्री डिश पर देखने को मिल रहे हैं काफी समय से, इन चैनलों को प्राइवेट डीटीएच के ग्राहकों के लिए भी निःशुल्क किया जाए। यानी कि प्राइवेट डीटीएच के जितने भी कस्टमर्स हैं उनको भी इन चैनलों को देखने के लिए किसी भी तरह का कोई भी कीमत अदा ना करनी पड़े, ऐसा एक रूल रेगुलेशन तैयार करो। तो अगर ये रूल रेगुलेशन तैयार हो गया तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, नहीं तो ये हमारे लिए यही बात हो जाएगी जिसको लेकर हम वीडियो तैयार कर रहे हैं कि तमाम चैनलों को हम बाहर होते हुए देखने वाले हैं। इसके बारे में मोर भी डिटेल में बात करेंगे। चैनल पहली बार आए हैं अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस के सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। जैसे कि रूल्स और रेगुलेशंस की जानकारी सामने आई है तो उसके मुताबिक यही है कि जहां एक तरफ आपके डीडी फ्री डिश को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर लाने की कोशिश हो रही है तो दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा है कि जो आपके इनक्रिप्ट मोड यानी कि पेड श्रेणी में चैनल आते हैं जैसे कि स्टार ऑफ मूवीज, जी अनमोल सिनेमा, स्टार गोल्ड थ्रिल्स, आज तक, गुड न्यूज टुडे, इशारा टीवी, फिल्म जी भोजपुरी, जी बायोस्कोप, जी गंगा, न जाने से न जाने कितने चैनल हैं जो कि आपको मिल रहे हैं, तो उन चैनलों का जो प्राइस है वो हर चैनल का लिस्टेड है ब्रॉडकास्टर का। और ये जो चैनल है वो प्राइवेट डिटेल्स पे कस्टमर को सब्सक्राइब करना पड़ता है, उसके लिए पैसा देना पड़ता है, जबकि डीडी फ्री डिश पर कस्टमर को पैसा नहीं देना पड़ता, वो बिना कोई पैसा दिए ही चैनल मिल जाता है। तो यही वजह है कि यहाँ पर ट्राई का ये कहना है कि या तो इन चैनलों को डीडी फ्री डिश में भी बरकरार रखना चाहते हैं ब्रॉडकास्टर तो उसे प्राइवेट डीटीएच से भी कोई भी पैसा नहीं लेना चाहिए, उसको भी वहां पर भी फ्री देना चाहिए, इससे कस्टमरों में भेदभाव की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी और कस्टमरों को मनोरंजन भी बना रहेगा। और अगर ऐसा ब्रॉडकास्टर नहीं मानता है तो ब्रॉडकास्टर के पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है जो उन्होंने सोनी पल, कलर्स रिश्ते, स्टार उत्सव और जी अनमोल के लिए लागू किया था, जी हाँ, इन चैनलों को हटाने का। तमाम जो चैनल आपके पे की श्रेणी में आते हैं वो डीडी फ्री डिश से बाहर होते हुए दिखाई देंगे और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तो आपके नजरिए से मुझे लगता है कि आपको भी ये फैसला बिल्कुल भी कतई पसंद नहीं आएगा अगर आपके देखे जाने वाले चैनल ही आपसे दूर चले जाए, क्योंकि पहले ही इतना बड़ा झटका में दिया गया था, करीबन चार अच्छे खासे देखे जाने वाले चैनल जो कि कस्टमर सबसे ज्यादा देखते थे, इन चैनलों को उन्हें हटा दिया गया। तो अब जो आपके गिरे चुने चैनल जैसे कि कलर सिनेप्लेक्स, बॉलीवुड है, सुपर हिट्स है, इन तमाम चैनलों को अगर हम भारत में देखेंगे तो एक बहुत बड़ी बैड न्यूज हो जाएगी हम सभी के लिए। और आपको बताइए कि इसके अलावा कुछ खास चैनल तो आते नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ब्रॉडकास्टर का क्या फैसला होगा? क्या ब्रॉडकास्टर को लगता है कि ट्राई की बात सुनकर अपने उन चैनलों को भी फ्री में देना शुरू कर देगा जैसे कि आपके डीडी फ्री डिश में देता है, या फिर आपको लगता है ब्रॉडकास्टर के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचेगा इन चैनलों को बाहर करने का? आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। बाकी इस रूल रेगुलेशन को कब लागू किया जाएगा कब नहीं कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो अभी हाल ही में बातें चल रही है उसके मुताबिक तो यही रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है।